हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल उदयपुरी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही गुणकारी प्लांट है। इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है, इसके रिलीजियस वैल्यू भी है, वास्तु में भी इसकी बहुत महत्व है। तो चलिए हम अब उस प्लांट का आपको नाम बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और एक बेल आइकॉन बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दे ताकि हम जब भी कोई नोटिफिकेशन डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। हमारे YouTube चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, यह बिल्कुल निःशुल्क है। आप लाल कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके हल्के से प्रेस कर दे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बतलाते हैं उस प्लांट के बारे में। यह प्लांट है अपराजिता, इसे विष्णुकांता आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यूँ तो किसी भी प्लांट को किसी भी दिन ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इस प्लांट को लगाने का भी एक दिन होता है। हम जब भी इसे प्लांट को लगाएं तो कोशिश करें कि वो दिन बृहस्पतिवार या शुक्रवार का हो। यह प्लांट दो तरह से लगाया जा सकता है। एक तो इसकी ये जो फलियां होती है जब पककर ये तैयार हो जाती है तो उन्हें हम सॉइल में डाल दें तो उससे इसका प्लांट अपने आप ग्रो हो जाता है। दूसरे इसे कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट का मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। अगर हमें किसी प्रकार का सर दर्द है तो हम इसकी चाय बनाकर पिए तो उससे हमारा सर दर्द में हमें बहुत ही आराम होता है। इसके पत्ते, इसके फूल, इसके जड़ियाँ सभी बहुत ही मेडिसिनल गुण के होते हैं। अगर हम इसकी जड़ को पीसकर अपने चेहरे पर अगर छाइयाँ हो गई है, डार्क सर्कल हो गए वहाँ लगाएं तो हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है। उसी प्रकार इसके धार्मिक भी बहुत ही वैल्यू है। यह शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। आप शुक्रवार और सोमवार को 11 फूल इसके शिव जी को चढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका शनि खराब है तो आप शनिवार को 11 पुष्प शनि मंदिर में जाकर चढ़ाएं तो उससे आपका शनि अच्छा हो जाता है। यह दुर्गा माता को भी बहुत ही प्रिय पुष्प होता है। उसी प्रकार अगर आपके घर में किसी प्रकार का जादू टोना टोटका किया हुआ हो तो आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शनिवार के दिन 11 फूल बांध दें। अगर बांध नहीं सकते हैं तो किसी बॉल में रखकर दरवाजे पर रख दें तो उससे भी आपके घर पे किसी प्रकार का किया हुआ हो वह ठीक हो। इस प्लांट को आप घर में किस दिशा में लगाएं यह भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसे आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अपराजिता दो कलर की होती है, सफ़ेद और नीली। कुछ लोग समझते हैं कि हमें कौन सी फ्लावर वाले अपराजिता को अपने घर में लगाना चाहिए, नीले या सफ़ेद। हम अब सफ़ेद या नीली दोनों में से किसी को भी अपने घर में लगा सकते हैं। दोनों समान महत्व के होते हैं। जैसा कि इसका नाम है अपराजिता, उसी अनुसार अगर हम इसे अपने घर में लगाएंगे तो हम कहीं भी पराजित नहीं होंगे, हमें हर जगह विजय ही मिलेगी। तो देखा ना आपने कि ये एक प्लांट कितना गुणकारी है। तो हमें इसका एक प्लांट ज़रूर ही अपने घर में लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस प्लांट के गुण से लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ।